हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू ETEST YouTube चैनल। व्यूवर्स, आज की वीडियो में हम अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर पास्ट पेपर 2015 का पार्ट 4 डिस्कस करेंगे। अप्रेजिंग वैल्यूएशन ऑफिसर पास्ट पेपर 2015 के तीन पार्ट्स, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। ये तीनों पार्ट्स ETEST चैनल पे मौजूद हैं और इन तीनों पार्ट्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 76, इससे पहले के 75 क्वेश्चंस पार्ट 1, 2 एंड 3 में मौजूद हैं। पीसो इज द करेंसी ऑफ अर्जेंटीना। पीसो अर्जेंटीना की करेंसी है। इसके अलावा भी ये करेंसी कुछ ममालिक में यूज की जाती है। उन ममालिक में अर्जेंटीना, चिली, कोलंबिया, क्यूबा, डोमिनिकन रिपब्लिकन, मैक्सिको, फिलिपाइन, प्रोगे शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विच सिटी इज द कैपिटल ऑफ अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के दारुल हुकूमत का नाम ब्यूनस आयर्स है। क्वेश्चन नंबर 78, विच स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कैपिटल इज कोपिंगन, डेनमार्क। विवर्स, जो डेनमार्क है ये बरियाजम यूरोप में वाक्य है। आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, 2015 के कंप्लीट पेपर में अप्रेजिंग वैल्यूएशन के, इसमें मुख्तलिफ करेंसीज को बार बार पूछा गया है, मुख्तलिफ ममालिक के कैपिटल्स को पूछा गया है। इसलिए आप कोशिश कीजिएगा इसमें जो जनरल नॉलेज है कैपिटल से रिलेटेड, करेंसी से रिलेटेड, इनको अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 79, क्रोन इज द करेंसी ऑफ डेनमार्क। क्रोन जो है ये डेनमार्क की करेंसी है। अगर आप इसको ग्राफिकली इकोनॉमिकली देखें तो एक क्रोन जो है ये पाकिस्तानी रुपए में 18.29 रुपए के बराबर है। क्वेश्चन नंबर 80, हु इज द ऑथर ऑफ जिना, इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। ये एक किताब का नाम है, जिना इंडिया पार्टीशन इंडिपेंडेंस। इस किताब को जसवंत सिंह ने लिखा। जसवंत सिंह का पूरा नाम जसवंत सिंह जैसल था। ये इंडिया का फाइनेंस मिनिस्टर रह चुका है। इस किताब को जसवंत सिंह ने 17 अगस्त 2009 को रिलीज किया। क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ जाने से पहले, अगर आप ETEST चैनल पर नए हैं और इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि बेल के आइकन को प्रेस करने से हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता है। क्वेश्चन नंबर 81, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री। मंदरजा जेल में से कौन सा मुल्क सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। वीवर, सबसे पहले तो ये नोट कर लें कि लैंड लॉक्ड कंट्री होती क्या है। लैंड लॉक्ड कंट्री ऐसा मुल्क होता है जो चारों तरफ से खुश्की से घिरा हो। कोई भी मुल्क चारों साइडों से खुश्की से घिरा है या उसे समंदर टच नहीं करता, तो ऐसे मुल्क को लैंड लॉक्ड कंट्री कहा जाता है। और कजाकिस्तान सबसे बड़ी लैंड लॉक्ड कंट्री है। कजाकिस्तान का रकबा 2.725 मिलियन किलोमीटर है और कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का मुल्क है। क्वेश्चन नंबर 82, विच कंट्री इज सिचुएटेड बिलो द सी लेवल। नेदरलैंड जो है ये सी लेवल से नीचे वाक्य है। नेदरलैंड का एक तिहाई हिस्सा सी लेवल से काफी नीचे है, ये तकरीबन 22 फीट नोट किया गया है। क्वेश्चन नंबर 83, इन पाकिस्तान द लार्जेस्ट शेयर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम द सोर्स ऑफ। पाकिस्तान में बिजली का सबसे ज्यादा परसेंटेज जो है, सबसे ज्यादा बिजली थर्मल प्रोडक्शन से हासिल होती है। पाकिस्तान में इस वक्त 31 थर्मल पावर स्टेशन जो है वो काम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 84, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस इज मेनली काजिंग ग्लोबल वार्मिंग। मंदरजा जेल में से कौन सी गैस है जो ग्लोबल वार्मिंग की सबसे बड़ी वजह है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये ग्लोबल वार्मिंग की सबसे मेन रीजन है। क्वेश्चन नंबर 85, विच ऑफ द हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स वॉज बिल्ट इन
1642 एडी। 1642 में कौन सी तारीखी यादगार को तामीर किया गया? 1642 में शालामार बाग को तामीर किया गया। शालामार बाग को शाहजहां ने तामीर करवाया। शालामार बाग की तामीर का काम 1641 में शुरू हुआ और 1642 में खत्म हुआ। व्यूअर्स, ये क्वेश्चन पीपीएससी के सबका पेपर्स में कमोबेश 3 बार रिपीट हुआ है। यहां पे कैंडिडेट मिस्टेक कर देते हैं। अगर ये क्वेश्चन दोबारा आए तो आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट डेट पूछी गई है तो आपने 1641 लिखना है। अगर कंप्लीशन डेट लिखी गई है तो 1642 लिखना है। यहां पे बहुत से कैंडिडेट जो है डबल माइंड हो जाते हैं, इसको आप अच्छे तरीके से जेहन में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 86, पेरिस इज द कैपिटल ऑफ फ्रांस सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ साइन। पेरिस जो है ये फ्रांस का दारुल हुकूमत है जो कि साइन रिवर के किनारे वाकया है। साइन रिवर की लंबाई 375 किलोमीटर है जबकि फ्रांस बर आजम यूरोप में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 87, हाउ मैनी पाउंड्स आर देयर इन 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम जो है वो 2.2046 पाउंड्स के बराबर होता है। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में 1 टन का पूछा गया है। 1 टन जो होता है वो 1000 किलोग्राम के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 88, द स्टोन हैंग इज अमंग द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड सिचुएटेड इन। स्टोन हैंग ये दुनिया के 7 बड़े अजायबात में से एक अजूबा है जो कि इंग्लैंड में वाकया है। क्वेश्चन नंबर 89, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैव अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन। इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा मुल्क ऐसा है जिसका आईन रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है? ये 3 ममालिक ऐसे हैं कि इनका आईन रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। इनमें यूके, इसराइल और न्यूजीलैंड शामिल है। व्यूअर्स, यहां पे एक बात नोट कर लें कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही 3 ममालिक ऐसे हैं जिनका आईन बाज़ाब्ता तौर पर रिटन फॉर्म में मौजूद नहीं है। क्वेश्चन नंबर 90, एनपीटी वाज साइंड ऑन। एनपीटी ये एक मुआहदा है, एक मुआहदा था, एग्रीमेंट था जो कि 1 जुलाई 1968 को साइन हुआ। एनपीटी स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। एनपीटी का जो मेन पर्पस था, इसका जो अहम मकसद था, वो कीमियाई हथियारों की तरसील पैदावार को रोकना था। क्वेश्चन नंबर 91, हु वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की पहली आइनी असेंबली के जो सदर थे वो कायद आजम मोहम्मद अली जिना थे। इसके अलावा मुख्तलिफ पेपर्स में कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं जिनमें पहला प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, पहला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और पहला प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान पूछा गया है। पाकिस्तान का जो पहला प्राइम मिनिस्टर था उसका नाम लियाकत अली खान था। पाकिस्तान के पहले चीफ जस्टिस का नाम मियां अब्दुल रशीद था। पाकिस्तान के पहले सदर का नाम अस्कंदर मिर्जा था। क्वेश्चन नंबर 92, ब्लू बुक इज एन ऑफिशियल बुक ऑफ फ्रांस। क्वेश्चन नंबर 93, डाइट इज द पार्लियामेंट ऑफ जापान। डाइट पार्लियामेंट की पार्लियामेंट है जापान की, जिस तरह पाकिस्तान की पार्लियामेंट नेशनल असेंबली है, इसी तरह डाइट जो है ये जापान की पार्लियामेंट का नाम है। जापान की पार्लियामेंट डाइट 465 सीट्स पर मुश्तमिल पार्लियामेंट है। क्वेश्चन नंबर 94, एरोफ्लोट इज द एयरलाइन ऑफ रशिया। एरोफ्लोट रशिया की एयरलाइन है। इस एयरलाइन को 1928 में कायम किया गया। एरोफ्लोट एयरलाइन का पुराना नाम सोवियत स्टेट एयरलाइन था, जिसे 1932 में तब्दील करके एरोफ्लोट एयरलाइन कर दिया गया।
Question number 95. World Population Day is celebrated on. World Population Day हर साल 11 जुलाई को मनाया जाता है. Viewers, 1989 में United Nations में एक तजवीज पेश की गई, एक बिल पेश किया गया कि वर्ल्ड पॉपुलेशन डे हर साल सेलिब्रेट करना चाहिए, और उस मीटिंग में यह बिल पास हुआ और पहली बार 11 जुलाई 1989 को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे सेलिब्रेट किया गया. क्वेश्चन नंबर 96. वेयर इज नांगा पर्वत सिचुएटेड. नांगा पर्वत हिमालय रेंज में वाक्या है. नांगा पर्वत को दियामीर भी कहा जाता है. नांगा पर्वत की ऊंचाई 8126 मीटर है. क्वेश्चन नंबर 97. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स केम इन द एग्जिस्टेंस. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स का क्याम 1945 में हुआ. अरब लीग को लीग ऑफ अरब स्टेट्स भी कहा जाता है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अरब स्टेट्स, अरब लीग या लीग ऑफ अरब स्टेट्स, ये तीनों एक ही ऑर्गेनाइजेशन के नाम हैं. अरब लीग को 22 मार्च 1945 को कायरा मिस्र में कायम किया गया. जिस वक्त अरब लीग की बुनियाद रखी गई उस वक्त 6 मेंबर ममालिक इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल थे, जबकि इस वक्त इस ऑर्गेनाइजेशन में 22 ममालिक शामिल हैं. क्वेश्चन नंबर 98. पाकिस्तान फर्स्ट एसओएस विलेज वाज बिल्ट इन. पाकिस्तान में पहला एसओएस विलेज लाहौर में 1977 में कायम किया गया. सबसे पहले एसओएस विलेज की बुनियाद जो थी ये हरमन गमेनर ने रखी. हरमन गमेनर का ताल्लुक ऑस्ट्रिया के इलाके टेरल से था. इसने एसओएस की बुनियाद 1949 में रखी. वीवर, ये जो एसओएस है ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऑर्फन से रिलेटेड है. यतीमों की देखभाल के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी. क्वेश्चन नंबर 99. द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान इज रिटन बाय. द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान किताब का नाम है जिसे आई एच कुरैशी ने लिखा था. आई एच कुरैशी स्टैंड्स फॉर इश्तियाक हुसैन कुरैशी. इश्तियाक हुसैन कुरैशी ने यह किताब द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान 1965 में शाया की. वीवर्स, ये क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपने डबल माइंडेड बिल्कुल भी नहीं होना, क्योंकि यही बुक द स्ट्रगल ऑफ पाकिस्तान 2014 में भी एक खातून ने लिखी है. तो आपने क्वेश्चन पढ़ना है और उसके ऑप्शंस देखने हैं. तो जो सूटेबल लगे, अगर उसमें आई एच कुरैशी का नाम हो तो आपने आई एच कुरैशी को ही टिक करना है. क्वेश्चन नंबर 100, लास्ट क्वेश्चन है. द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन इज इन. दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन जो है वो नेपाल और चाइना में मौजूद है. ये सबसे ऊंची जो माउंटेन है इसका नाम माउंट एवरेस्ट है. इसकी ऊंचाई 8848 मीटर है. जी वीवर, जिसके साथ ही हमें इजाजत दें. अगर आपको ये वीडियो हमारी स्ट्रगल पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी सजेशंस, आपकी राय के बगैर ई टेस्ट चैनल मजीद बेहतरी नहीं ला सकता. अपनी सजेशन, अपनी राय जरूर दीजिएगा. अल्लाह हाफिज.